दृष्टि आई एस की ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है आज का हमारा आर्टिकल भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण भाग बौद्ध धर्म से संबंधित है यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं यह है आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र एक के कला एवं संस्कृति खंड से जुड़ा है तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि बौद्ध धर्म भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न होने वाले संसार के प्रमुख धर्मों में से एक है भारत के नास्तिक दर्शन की विचारधाराओं में बौद्ध धर्म प्रमुख है बौद्ध धर्म की चौथी संगीति के दौरान यह हीन यान और महायान संप्रदाय में बट गया था महायान संप्रदाय की दो प्रमुख विशेषताएं हैं पहले महात्मा बुद्ध को दर्शाने के लिए कुछ प्रतीकों मसलन पीपल वृक्ष का प्रयोग किया जाता था लेकिन महायान में बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई जाने लगी दूसरी विशेषता है बोधि सत्व बोधि सत्व ऐसी मतलब है जो बोधि प्राप्त करने की राह पर है एक ऐसा व्यक्ति जो बुद्ध होना चाहता है सत्व सभी प्राणियों को प्रबोध के मार्ग पर चलने के लिए सहायता करने के लिए स्वयं के निर्माण की प्राप्ति में विलंब करता है सरल शब्दों में कहें तो बोधि सत्व वो है जो अपने प्रबोधन से ज्यादा दूसरों के प्रबोधन को महत्व देता है बोधिसत्वों की एक पूरी कड़ी है जिसके तहत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म लिया था ऐसी मान्यता है कि बोधिसत्वों की इस कड़ी में मैत्रेय अभी अवतरित होने हैं पाली ग्रंथों में बुद्ध को अलौकिक पुरुष नहीं माना गया है बल्कि उनका जो अलौकिक ज्ञान था विभिन्न जन्मों में उनके द्वारा स्वयं के प्रयास से अर्जित किया गया था इससे बोधिसत्व की संकल्पना को बल मिलता है पाली एक सांस्कृतिक भाषा है इसकी उत्पत्ति उत्तर भारत में मानी जाती है पाली का प्रयोग प्राकृत के आद्य या पुराने रूप का संकेत करने के लिए किया जाता है महात्मा बुद्ध अपने उपदेश देने के लिए पाली का उपयोग करते थे जातक कथाओं के मुताबिक बोधि सत्व मनुष्य रूप में भी हो सकते हैं और पशुओं के रूप में भी आपको बता दें कि जातक कथाएं महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं बौद्ध धर्म को तीन प्रमुख संप्रदायों में विभाजित किया गया है थेरवाद इसका हीन यान संप्रदाय द्वारा प्रमुखता से पालन किया जाता है महायान और वज्रयान अब एक नजर डालते हैं इन तीनों संप्रदायों पर सबसे पहले जानते हैं थेरवाद संप्रदाय के बारे में थेरवाद पुराना संप्रदाय है इसे महायान की तुलना में अधिक कंजर्वेटिव माना जाता है इसका साहित्य प्रमुख रूप से पाली भाषा में है इसमें साधक स्वयं की मुक्ति के लिए प्रबोधन प्राप्त करना चाहता है इसमें बुद्ध के जीवन और प्रारंभिक शिक्षाओं पर जोर दिया जाता है वही महायान संप्रदाय बौद्ध धर्म के इतिहास का एक प्रमुख आंदोलन है इसकी उत्पत्ति उत्तर भारत में हुई थी इसमें हीन यान के अर्हत के बजाय सत्व की संकल्पना को प्रमुखता दी गई जबकि वज्रयान संप्रदाय प्रमुख रूप से तिब्बत से संबंधित है इसे तांत्रिक बौद्ध धर्म भी कहा जाता है इसके अन्य नाम मंत्रयान और गुहिया मंत्रयान है बौद्ध धर्म के इतिहास में वज्रयान का उल्लेख महायान के अनुमानिक चिंतन से व्यक्तिगत जीवन में बौद्ध विचारों के पालन तक की यात्रा के लिए किया गया है अब देखते हैं कि बौद्ध धर्म के अलग अलग संप्रदायों में बोधी सत्व की संकल्पना क्या है पहले बात करते हैं थेरवाद की थेरवाद संप्रदाय में अरहत की प्राप्ति पर जोर दिया जाता है अरहत वे संपूर्ण व्यक्ति होते हैं जो प्रकृति की वास्तविकता और सत्यता हासिल कर लेते हैं इसका मतलब है कि उन्होंने तीन तरह की बुराइयों मसलन लालच नफरत और अज्ञान से बचने के लिए अष्टांगिक मार्ग का पालन किया है साथ ही निर्वाण को प्राप्त कर लिया है निर्वाण का अर्थ है बार बार जन्म मरण के चक्र से मुक्ति महायान संप्रदाय में माना जाता है कि बुद्ध की शिक्षाओं के जरिए निर्वाण को प्राप्त किया जा सकता है इसमें बोधि बनने को मकसद माना जाता है इसे छह परामिताओं के जरिए हासिल किया जाता है महायान में करुणा को बहुत महत्व दिया जाता है इसीलिए बोधि सत्व संसार में रहकर अपने और दूसरों के प्रबोधन को प्राप्त करने में मदद करता है यही थेरवाद और महायान में प्रमुख अंतर है जहाँ एक और थेरवाद में अरहत बनकर अपने लिए जीवन मरण के चक्र से मुक्ति का प्रयास किया जाता है जबकि महायान में दूसरों के लिए संसार में रहना चुना जाता है आइए अब जानते हैं कि बोधि सत्व की विशेषताएं क्या हैं। बोधिसत्व बनने के लिए छह गुणों का पालन किया जाना चाहिए महायान में इन्हें परामिता कहा जाता है ये छह परामिताएं इस तरह हैं: उदारता हमेशा सत्य के साथ जीवन जीना धैर्य अपनी ऊर्जा को संचित रखना जिससे आप बुरे वक्त का सामना कर सके ध्यान से एकाग्रता को बढ़ाना और ज्ञान को हासिल करना इसके अलावा के चार सद्गुण बताए गए हैं पहला सदगुण है मैत्री यानी प्यार दया यह सभी के प्रति अच्छी भावना से संबंधित है दूसरा सदगुण है करुणा यह सभी के दुखों को अपना मानने से संबंधित है तीसरा है मुदित यह दूसरों के सुख में खुश होने से संबंधित है चौथा है उपेक्षा यानी संभाव यह दूसरों के प्रति समान भाव रखने से संबंधित है महायान में बोधिसत्व की आध्यात्मिक प्रगति के भी चरण बताए गए हैं इन चरणों को भूमि या विहार कहा जाता है इसका वर्णन दस भूमि का सूत्र में किया गया है पहला चरण है प्रमुदित इसमें बोधिसत्व बनने की शुरुआत होती है व्यक्ति यह है जानकर आनंदित होता है कि वह प्रबोधन प्राप्त करेगा और दूसरों के प्रबोधन में मदद करेगा दूसरा चरण है विमल यह दुर्गुणों से मुक्ति की प्रक्रिया है तीसरा चरण है प्रभाकारी इसमें बोधिसत्व अपने धर्म से दूसरों को प्रकाशवान करता है चौथा चरण है अरिश्मति इसमें बोधिसत्व दूसरों की बुराइयों और अज्ञान को ग्रहण करता है पांचवा चरण है सुदूर जय इसमें इतना परिपक्व हो चुका होता है कि वह सांसारिक बंधनों में नहीं फंसता। छठा चरण है अभिमुखी इसमें निर्वाण की ओर गमन करता है सातवां चरण है दुर्ण गामा इसमें बोधिसत्व एक लंबी यात्रा तय कर चुका होता है आठवां चरण अकाला यानी इस पद से ना हटने से संबंधित है नौवा चरण साधुमति यानी अच्छे दिमाग से संबंधित है दसवा चरण धर्म यानी सार्वभौमिक सत्य की प्राप्ति से संबंधित है महायान संप्रदाय में कई बोधि सत्वों का अस्तित्व है अब एक नजर बोधिस के प्रमुख प्रकारों पर डालते हैं। पहला प्रकार है अवलोकितेश्वर भौतिक दृष्टि से यह सबसे प्रधान बोधिस है इनका विशेष गुण दया है इन्हें पद्मपाणि भी कहा जाता है ये कल्याण का सबसे आदर्श रूप दिखाते हैं ये दूसरों की मदद के लिए स्वयं बुद्ध नहीं बनते भारत में अजंता की गुफा में इनकी पेंटिंग है दूसरे प्रमुख बोधि सत्व है मंजूश्री इनका प्रमुख काम है बुद्धि को निखारना इन्हें हाथ में खडग लिए दिखाया गया है जो कि अज्ञानता का नाश करता है इनके दूसरे हाथ में एक किताब है जिसमें दस परामिताओं का वर्णन है तीसरे प्रमुख बोधि सत्व है वज्रपाणी ये तुलनात्मक रूप से कठोर बोधिसत्व हैं ये पाप और असत्य के शत्रु है इनके हाथ में वज्र है चौथे प्रमुख बोधिसत्व है मैत्रेय ये भावी बोधि सत्व है पांचवे प्रमुख बोधि सत्व है क्षिति गर्भ इन्हें नरक का नियामक माना जाता है कुल मिलाकर बौद्ध धर्म ने जहाँ एक तरफ विश्व को सदाचार और जीवन के संदर्भ में नई दृष्टि दी वहीं बोधिसत्व की संकल्पना ने इस दृष्टि को करुणा और परमार्थ भाव जैसे आयामों के जरिए निखारने का काम किया अब नोट करते हैं आज का सवाल बोधिसत्व क्या है बौद्ध धर्म में बोधी सत्व के महत्व की चर्चा कीजिए